गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो पोयम पढ़ेंगे यूनिट 1 पेज नंबर 10, रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स अर्थात पानी की बूंदे। लिसन, रिपीट, रीड एंड सिंग। सुनो, दोहराओ, मुखर वाचन करो और गाओ। आपको एक एक लाइन सुनना है और बोलना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। सो यू कैन रीड हियर। ओ, वेयर डू यू कम फ्रॉम। यू कैन रिपीट। ओ, वेयर डू यू कम फ्रॉम। यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन। यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन। पीटर पैटर पीटर पैटर। पीटर पैटर पीटर पैटर। डाउन द विंडो पेन। डाउन द विंडो पेन। टेल मी लिटिल रेन ड्रॉप्स। टेल मी लिटिल रेन ड्रॉप्स। इज दैट द वे यू प्ले। इज दैट द वे यू प्ले। पीटर पैटर पीटर पैटर। ऑन द रेनी डे। टेल मी लिटिल रेन ड्रॉप्स। इज दैट द वे यू प्ले। पीटर पैटर पीटर पैटर। ऑन द रेनी डे। आई सिट हियर एट द विंडो। आई सिट हियर एट द विंडो। I have nothing else to do. I have nothing else to do. Oh, I wish that I could play. Oh, I wish that I could play this rainy day with you. This rainy day with you. The little raindrops cannot speak. The little raindrops cannot speak. But pitter patter pat, pitter patter pat means we can play on this side. Why can't you play on that? Why can't you play on that? Now, अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट लाइन यहाँ पे, यू कैन से दैट हियर वन स्मॉल लिटिल गर्ल हैज सिट। एक छोटी सी बच्ची बैठी है फोर्थ स्टैंडर्ड की। ओके, वेयर शी हैज सिट, अपने विंडो के जो शीशा है उस पे बैठी हुई है। शीशे के यहाँ पे विंडो के पास बैठी हुई है घर के अंदर। एंड व्हाट शी इज लुकिंग एट। शी इज लुकिंग एट द रेन ड्रॉप्स। वो बारिश की बूंदे देखकर उनसे बात कर रही है। व्हाट शी इज सेइंग। ओ, वेयर डू यू कम फ्रॉम। आप ये सब बारिश की बूंदों से पूछ रही है, तुम कहाँ से आए हो। यू लिटिल रेन ड्रॉप्स ऑफ रेन, तुम छोटे पानी के बूंदे, तुम कहाँ से आए हो। पीटर पैटर पीटर पैटर, बारिश के बूंदों की आवाज़ हो रही है। पीटर पैटर पीटर पैटर। डाउन द विंडो पेन मतलब खिड़की के शीशे पर नीचे। तुम हमेशा पीटर पैटर पीटर पैटर करते हो, कहाँ से आए हो। ना फिर से पूछ रही है, टेल मी लिटिल रेन ड्रॉप्स, मुझे छोटी बूंदे मुझे बताओ, इज दैट द वे यू प्ले, क्या तुम इसी तरह खेलती हो। पीटर पैटर पीटर पैटर, हमेशा पटर 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 बारिश की बूंदों की आवाज के साथ। ऑल द रेनी डे, पूरे वर्षा के सीजन में, पूरे बारिश के दिनों में क्या तुम ऐसे ही खेलते हो। I sit here at the window, मैं यहाँ खिड़की के शीशे के पास बैठी हूँ। And I have nothing else to do, मुझे तो कुछ काम ही नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। Oh, I wish that I could play, मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी खेल सकूँ।
दिस रेनी डे विथ यू, मैं भी इस बारिश के सीजन में, बारिश के दिनों में तुम्हारे साथ खेल सकूं। इतनी सारी चीजें वो छोटे बूंद से, छोटे बारिश की बूंदों से पूछती। नाउ द लिटिल रेन ड्रॉप्स कैन नॉट स्पीक, छोटी बारिश की बूंदें तो बोल नहीं सकती। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, पिटर पैटर पैट, पिटर पैटर पैट, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया अपनी आवाज के साथ। क्या जवाब दिया, मीन्स, इस पिटर पैटर पैट का मतलब क्या, उन्होंने क्या कहा बारिश की बूंदों ने कहा, वी कैन प्ले ऑन दिस साइड, हम लोग खिड़की के इस तरफ जब खेल पाते हैं तो वाई कांट यू प्ले ऑन दैट, तो उदास होने से क्या मतलब है, तो फिर तुम उस तरफ खेल लो, अर्थात घर के अंदर ही खेल लो, घर के बाहर मत आओ। सो वॉट द लिटिल रेन ड्रॉप्स टीचेस अस, लिटिल छोटी बारिश की बूंदें हमें क्या कह रही हैं, हमें ये कह रही हैं कि बारिश में बाहर मत निकलो, जैसे हम खेल रहे हैं बारिश के बाहर, आप घर के अंदर ही खेलो और सुरक्षित रहो। सो बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो दिस इज द पोयम। नाउ वी कैन सी द एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो हियर फर्स्ट जस्ट रीड द क्वेश्चन, रीड अलाउड द फॉलोइंग साउंड वर्ड्स, इन साउंड वर्ड्स को पढ़ो। क्या है साउंड वर्ड्स, ध्वनि, अर्थात किसी चीज की ध्वनि निकलना, जैसे पिटर पैटर, ट्रिंग ट्रिंग, जूम जूम, बाव वाव, डिंग डोंग, बीप बीप बीप, वाह वाह वाह, ये सभी किसी न किसी चीज़ों के, वस्तुओं के बोलने की आवाज़ है। सो वी हैव टू रीड इट अगेन, पिटर पैटर, ट्रिंग ट्रिंग, जूम जूम, बाव वाव, डिंग डोंग, बीप बीप बीप, वाह वाह वाह। ना द सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट अदर वर्ड्स कम टू योर माइंड ऑन रीडिंग ईच वर्ड, इन शब्दों को पढ़ के आपके मन में क्या आता है, आपके दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीटर पैटर, पीटर पैटर किससे हमारे दिमाग में कौन से शब्द आते हैं, तो सबसे पहले रेन अर्थात बारिश, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदे, वाटर पानी, स्मॉल बूंदे छोटी, छोटा भी ये शब्द भी इससे ही संबंधित है, फॉल गिरना, कूल एकदम ठंडा, एक्स्ट्रा, इस तरह के वर्ड्स। तो उसी तरह से हम ट्रिंग ट्रिंग भी देखेंगे, तो ट्रिंग ट्रिंग के साथ कौन सी आवाज़ होती है, टेलीफोन बेल, राइट, स्कूल बेल, ओके, एंड समटाइम कभी कॉल, डोर बेल भी होता है, सो राइट, सो डोर बेल, स्कूल बेल, समटाइम्स साइकिल बेल, सो वी कैन थिंक ऑल दिस वर्ड्स। नाउ जूम जूम, जूम जूम जाने में कभी कभी हम इस वर्ड्स को बहुत फास्ट बोलने के लिए यूज करते हैं, जूम जल्दी से चले गए, तो जूम तो फास्ट, ये वर्ड हमारे दिमाग में आया फास्ट। देन एरोप्लेन, राइट, मूविंग वेरी फास्ट, ओके, नाउ बाव वाव, बाव वाव इज साउंड ऑफ बार्किंग, डॉग्स बार्किंग, डॉग बार्क अर्थात भौंकना, तो डॉग बार्किंग, समटाइम्स साउंड ऑफ काउ लाइक दैट, एंड नाउ डिंग डोंग, डिंग डोंग से यू कैन थिंक ऑफ डांस म्यूजिक, राइट, डिंग डोंग, फोन बेल समटाइम्स, नाउ बीप बीप बीप, बीप 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 इज अ साउंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की आवाज़ जो है वो बीप 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 करके भी आती है। फिर टैक्सी रिक्शा साउंड, राइट, सो टैक्सी रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ये सारे वर्ड्स हमें इसमें ध्यान में आएंगे। सो नाउ वी कैन सी दिस एक्सरसाइज विथ मोर एग्जाम्पल्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till that, bye bye, have a great day, thank you.